तो लखनऊ में राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये लखनऊ की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने वादा किया था आप लोग के 1 महीना 20 दिन का, इन्होंने क्या लाठी बरसाया हमारी और नीरज मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ऐसे ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनकी संख्या कितनी होगी यूपी में और ये जो मांग है इनकी कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार क्या कह रही है? देखिए, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं इनकी संख्या की बात करें तो ये 1 लाख से ऊपर है पूरे उत्तर प्रदेश में और ये पिछले 24 घंटे से अधिक समय पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जो कि मेन चौराहा है यहाँ पर बैठकर अपना आंदोलन कर रही थी और इनको काफी बार पुलिस ने समझाया बुझाया लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। इनका कहना था कि इनको आज ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तत्काल 18,000 रुपए इनका मानदेय किया जाए जो कि कहीं से प्रशासन के लिए संभव नहीं था। कई बार इनकी वार्ता कराई गई, अधिकारियों से कराई गई लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी और आज जब पुलिस दोपहर में इनको समझा रही थी तभी इनकी तरफ से बोतल और पथराव हो गया जिसके बाद पुलिस ने भी इनके ऊपर लाठियां फटकारी और फिलहाल इनको तो सड़क के किनारे कर दिया गया है और इनको समझाने का प्रयास जारी है। कई जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं पूरे मामले में घायल हुई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए।